का जो सपना प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुना, हो सकता है कांग्रेस को बहुत मजबूत आधार न देता हुआ दिखे, लेकिन प्रियंका गांधी एक स्पष्ट विपक्ष के नेता के रूप में विजन के साथ उतरी। लेकिन इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे, वो कांग्रेस जो इतने मजबूती से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कभी परिदृश्य को बदलती थी, जो विजन को स्थापित करती थी और जो मुद्दों को बाकायदा चर्चा में लाया करती थी, आज वो कांग्रेस इस बात के लिए परेशान है कि चुनाव तक उसके बड़े नेता उसके साथ रहे। ये विश्वास का संकट हो सकता है या पार्टी की बदहाल स्थिति, जिस पर अगर समय रहते चर्चा किया गया होता तो शायद ये स्थिति ना आती। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले एक महीने में वो कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कर रही है, उस कांग्रेस के 10 बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया और दामन पकड़ा उन पार्टियों का जिनसे उनका दूर दूर का नाता ही नहीं रहा। हालांकि प्रदेश की राजनीति में जहां पर जात का मतलब हो, जहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मतलब हो, वहां विचारधारा इतने मायने नहीं रखती, लेकिन हो कुछ ऐसा ही रहा। और 10 बड़े नेताओं के छोड़ देने के बाद लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं, लड़ भी रही है वाड्रा, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है, कम से कम समाजवादी पार्टी और रूलिंग पार्टी बीजेपी के सामने अब लगभग स्पष्ट सा होता जा रहा है। इसलिए तस्वीर पूरी तरह से साफ हो रही है कि लड़ाई जो त्रिपक्षी और चतुष्कोणी कहा जा रहा था, वो लड़ाई अब सिर्फ उसके दो कोण हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। सवाल यह है कि कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची तो क्यों पहुंची। वो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज के महिलाओं को और भी समाज से महिलाओं को आगे ला करके प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति की दिशा और दशा बदलने की कवायद कर रही हैं। एक व्यक्तिगत पत्रकार के तौर पर ये मैं मान सकता हूं कि उनकी ये कवायद बेहतर विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में सामने आती हुई दिख रही थी, लेकिन वो पार्टी या पार्टी के नेता आगे बढ़ेंगे कैसे जब उनके साथ उनके सहयोगी की भूमिका निभाने वाले बड़े नेता जो स्टार प्रचारक हो सकते थे, जो सपा बसपा की इस दो कोणीय लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर सकते थे, वो सभी पार्टी का हाथ ही छोड़ दिए। आखिर में क्यों? अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि एक महीने में कांग्रेस के साथ जो दुर्घटना घटी है उसकी वस्तुस्थिति क्या है। जरा आप देखिए, पूरी तरीके से आदित्य सिंह पार्टी को छोड़ा, छठे के झटका लगा रहा, हैदर अली खान ने भी पार्टी को छोड़ दिया, इमरान मसूद जो कभी प्रधानमंत्री के नदी इतने अपशब्दों का प्रयोग किया उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया, रविदेश पति त्रिपाठी पार्टी को छोड़ दिया, आदित्य सिंह बैबरी से पार्टी को छोड़ दिया। हम ये जो नाम आपको बता रहे हैं वो कांग्रेस में मजबूत नेता के तौर पर नरेश सैनी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया और मसूद अख्तर उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, राकेश सिंह कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े नेताओं का एक साथ पार्टी का हाथ छोड़ देना और प्रियंका गांधी को पूरे चुनाव में अकेले लड़ने के लिए मजबूर कर देना आखिर में किस बात की ओर संकेत है। ये सभी कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सहयोगी के तौर पर बड़ी लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन इन सब को टिकट भी मिल रहा था, स्टार प्रचारक की भूमिका में लाए जाने की कवायद चल रही थी, उस पर रणनीति बनाई जा रही थी और सबने किसी ने ज्यादातर लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और कुछ ने भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में जो लोग ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी, वस्तु स्थिति को अस्वीकार करना है या दिन में सपने देखना है। हम ऐसा नहीं कह रहे, हम वस्तु स्थिति जो है उस पर विमर्श कर रहे हैं और आज इस विमर्श में अगर पक्ष और विपक्ष की बातें सामने आए तो
तो स्पष्ट है कि इस लड़ाई में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी हुई है। आप ग्राफिक्स के जरिए जो देख रहे हैं, हमारे साथ सीधे कांग्रेस के नेता सार्थक त्यागी वो जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सार्थक जी आपका। उमेश कुमार भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और लखनऊ से अनूप शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो खबरों के साथ हमारे विश्लेषण के सहभागी होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल सार्थक आपसे ही, दुख होता है ना कि आपका विजन अच्छा है, आपकी नेता एक नए विजन के साथ आगे बढ़ी, लड़की हैं इसलिए लड़ सकती हैं, सिंपैथी भी आपके साथ है, लेकिन क्या कारण है कि जिनके सहारे जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते थे वो सब आपका हाथ ही छोड़ रहे हैं, इतना कमजोर हाथ सार्थक? यदि पार्टी का एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ के जाए तो निश्चित तौर पर वो एक दुखदायी पार्टी को भी होगी। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक दूसरा बड़ा समंदर है जहाँ पर ना जाने कितने चुने के आए और ना जाने कितने चुने के चले गए। आपके सामने देखा जाता हूँ कांग्रेस का जिस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी को छोड़ कर गए, पार्टी को छोड़ कर गए, आज वो कहाँ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने होम मंत्रालय सार्थक सार्थक आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है ये हमें बात बताइएगा और आप अपने दिल से पूछिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में स्थापित हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो परिवार दशकों से कांग्रेस पार्टी के लेफ्टिनेंट की भूमिका अदा कर सकता था, वो किसी भी मंच से आपके नेता की बखिया उधेड़ते हैं, ज्योतिरादित्य आज वहां खड़े हैं। उमेश जी मैं आपको समय दूंगा, कांग्रेस नेता को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। जी जी जिस प्रकार जो अब तक ब्राह्मण विरोधी योगी सरकार पर लगातार आरोप लगाते जा रहे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के किस तरह ब्राह्मणों के बीच में जाकर सवाल ये है सार्थक सार्थक आप सार्थक आप सवाल तो सुनिए। मान लीजिए जितिन छोड़ दिए, ये एक महीने में 10 बड़े नेता सार्थक सार्थक सवाल सुनिए, आपके बात से नहीं होगा, उन सवालों का पहले जवाब दीजिए। अदिति सिंह को मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत पहले वो कांग्रेस का साथ छोड़ सकती थी, इतने मुश्किलों में साथ रही, आप अदिति को नहीं अपने साथ रख पाए, आप आरपीएन सिंह को अपने साथ नहीं रख पाए, और आप सहारनपुर से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इमरान मसूद को अपने साथ नहीं रख पाए, और आप इतने 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 बड़े नामों का जिक्र कर रहे हो, और जिनका जिक्र कर रहे हैं वो अगर आपका साथ छोड़े हैं तो आज वो खुश हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं वो दुखी हैं? आरपीएन सिंह का कद क्या था आपकी पार्टी में? मेरे सवाल का जवाब देंगे। अभी जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा तो एक प्रदेश के प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के। सवाल सुनिए, आप अपने हिसाब से बोलते रहेंगे सर, पहले मेरे सवालों को सुनिए। आरपीएन सिंह आपके पार्टी के किसी प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, आपके ऐसे बोलने से काम थोड़ी होगा, सवालों का जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि कायरो की कोई जगह नहीं है, जो संघर्ष कर सकता होगा। पिछले मंगलवार के पहले आरपीएन सिंह आपके लिए कायर थे? जारी करी निश्चित तौर पर ये कि जमीन से
बैठे हुए छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार प्रियंका गांधी जी ने मान सम्मान करके उन्हें चुनाव लड़ा करके उन पर दाव लगाने का काम किया, ये इन राजा महाराजाओं को बिल्कुल भी इस बात से बिल्कुल उन्हें परहेज रहा। इमरान मसूद छोड़िए, देखिए आप प्रवक्ता हैं, सवालों का जवाब देंगे, अन्यथा हम आप बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, उसका मजा नहीं आएगा। इमरान मसूद को आपने निकाला तो नहीं, आप मनाते रहे और छोड़ करके वो सपा में चले गए, आप तो उनको टिकट भी दे रहे थे, टिकट आपने कंफर्म कर दिया था और आप कहते हैं कायर थे सब। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ना, इमरान मसूद जी का, आप अगर भविष्य आप भूतकाल में जाएं बिल्कुल वो पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, उस टाइम के लिए वो कांग्रेस पार्टी में थे, दोबारा से वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा में विलीन हो गए और उसके बाद समाजवादी पार्टी में जाकर के उन्हें क्या हुआ, जो यहाँ पे टिकट अपनी मन मर्जी से अपने चाहने वालों को टिकट दिया करते थे कांग्रेस पार्टी में, आज वहाँ उनके टिकट के लिए जाने पड़े। अब मैं एक सवाल करूँ आपसे, समाजवादी पार्टी हो सकता है कि वो गलत फहमी में हो, वो तो 403 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद को टिकट नहीं दिया है और आप तो पीछे पीछे दौड़ रहे थे और आपका साथ नहीं दिया, यही तो मैं कह रहा हूं। आप जैसे पुराने, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, आप पूरी बात सुन रहे हैं और सवाल आप ही के प्रति होंगे ज्यादा सार्थक, सवालों को सुनिए। आप ही का नेता ये कहते हैं कि लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं, और अखिलेश यादव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का दावा और उसकी शुरुआत करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थिति आज यह हुई कि चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक और आपके सारे स्टार प्रचारक और बड़े नेता जो सचमुच में भारतीय जनता पार्टी से अभी लोहा लेते रहे वो आपका साथ छोड़ दिए। ये आप कहते हैं कि वो कायर थे, और गजब का है कि आप कहते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी है, इस तरह का तो आना जाना लगा रहता है और आप उदाहरण भी दे रहे हैं, तो सिंधिया का उदाहरण दे रहे हैं। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपके बने बनाए सरकार को उखाड़ फेंका, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर दिया और आज वो भगवा राष्ट्रवाद के संदर्भ में इतनी चर्चा करते हैं, आप कहते हैं क्या हुआ? देखिए बिल्कुल मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, जी इनको यदि राजनीति के अंदर किसी ने स्थापित करने का काम किया तो वे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इनकी पहचान बनाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें हर तरीके से मान सम्मान देने का काम किया। आप बता दीजिए कि कोई ऐसा होता जो ये चुनाव का समय है। सार्थक जी, हम स्वीकार करते हैं कि आप बड़ी पार्टी के लोग हैं, बड़ा दिल है, दुख भी होता है तो बहुत गंभीरता से, बहुत सहज भाव से आप उसको व्यक्त करते हैं। अब मैं उमेश कुमार से सवाल करता हूं। उमेश जी, आप बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हैं, बुरा मत मानिएगा, डर तो आप भी बहुत गए थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन हाँ अपर्णा यादव के आ जाने के बाद अब आप लोग भी कुछ ज्यादा उत्साहित हैं और उस उत्साह में बहुत कुछ कर भी रहे हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पहले सारसा जी का जवाब दे दो, टूटती हुई नाव रह रही है कांग्रेस, और ना ही इसका कोई आधार है ना कोई वोट बैंक है, ये जो सपने बनाना ये आम बात है, हम भी बैठ के सपने बनाते हैं, और आपने अभी एक लाइन बोला कि हम भी घबरा रहे थे, अरे कौन लोग है मौर्या, कौन लोग है जिस मौर्या के नाम पे आप बोल रहे हो, चार पांच लोग जो हमारे पार्टी के रहे हुए हैं, इनकी क्या वजूद है? ये बताइए, आप भी जानते हो, ये बताइए मौर्या अगर कोई ताकत नहीं रख रहे थे, आप घबराए नहीं थे, तो अमित शाह को इन्वॉल्व होना पड़ा और आरपीएन सिंह को लाने की इतनी बड़ी कवायद करनी पड़ी, अब आप कम से कम पत्रकारों से तो ये सब मत बोलिए ना। कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि इस परिवार से अंग जाए, तो आदत है, इनकी तो साफ ही आदत है, भाई बेटे दो टिकट दे दो, उसको टिकट दे दो, मुझे ये कर दो वो कर दो। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ शासक जी से आपसे, पांच साल क्या कर रहे थे साहब मौर्या जी, पांच साल क्या कर रहे थे हमारे पास? और ये बताइए, बुरी थी हमारी विचारधारा हिंदू गलत रहे थे, पांच साल पहले या इस साल पहले या दो साल पहले नहीं होती होने दी जाएगी। मैं ये पूछता हूँ अब आपसे सवाल, आप बीजेपी के हैं, ये बताइए कि अगर आप परेशान नहीं थे तो आप क्यों तोड़ रहे हैं? सैद्धांतिक रूप से किसी पार्टी को तोड़ करके कहीं नेता को लाना और चुनाव लड़ना, आप भी तो कांग्रेस और सपा की तरह आप भी वही काम कर रहे हैं, आप भी अब दूध के दूल्हे थोड़ी माने जाएंगे, कम से कम नेताओं को लाने और ले जाने का जहां तक सवाल है। हाँ हमने ये नहीं बोला कि हम वोट रहे हैं, जो आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, हाँ हम उनका स्वागत कर रहे हैं,
हमारी विचारधारा, हमारे विचारधाराओं से जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको हम अपने ले रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि घबराते नहीं, गलत बात है। अच्छा, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। बीजेपी एक पार्टी पे बेस पे अपने वजूद पे चुनाव लड़ती है। आप घबराए नहीं है, आप घबराए नहीं है, आप घबराए नहीं है। एक सवाल और करूं, बताएंगे उसका जवाब देंगे। जयंत चौधरी से गृह मंत्री मिलना चाहते हैं, जयंत चौधरी से मुलाकात करने की भाजपा संगठन के कई नेताओं की कोशिशें कितनी कितनी तेजी से चल रही हैं, और जयंत चौधरी भाव नहीं दे रहे। अगर घबराए नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ सीटों को लेकर, तो इतना मतलब इतनी जल्दी क्या है? आपका संगठन इतना मजबूत है, आप रूलिंग पार्टी हैं, और दावे के साथ कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को बढ़ाया है, तो घबरा नहीं रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो गया भाई? मजबूत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो आपको मालूम हो जाएगी 10 मार्च को हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं जयंत चौधरी की बात बोल रहे हैं, वो तीन मात्र जो जाट की बात करते हैं, 3 सीट उन्होंने दिया है, हमने जाट जाट भाई वो तो 25 सीट देने का काम किया है, तो हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ उसको लेके नहीं चल रहे हैं, कहीं से भी हम कमजोर नहीं है, नहीं हम घबराए हुए हैं। राकेश टिकैत से एक बार बयान दिलवा दीजिए कि किसान आपके साथ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। अरे टिकैत कौन है, टिकैत किसानों के नेता होते हैं। अरे तीसरी बात बोल दिया, तीसर मान ले किसानों के नेता, वो तो कांग्रेस के नेता है। अच्छा चलिए, खैर ये तो ये आपका पक्ष हो सकता है, माना भी जा सकता है। अनूप शुक्ला, आपने देखा कि कांग्रेस के नेता ने वस्तुस्थिति को स्वीकार करते हुए भी कितने अजीब अंदाज में अपने बड़प्पन को दिखा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब अपर्णा यादव को और आरपीएन सिंह को अपने साथ लाने के बाद कुछ ज्यादा उत्साहित हैं। इस पूरे उत्साह और बड़प्पन के इस घालमेल में उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां खड़ी हुई दिखाई देती है अनूप? हाँ बोलिए बोलिए आप। प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे को लेकर साफ तो चली, लेकिन उनके साथ डरना ये होगी, लड़की तो लड़ सकती है लेकिन उनके नेता चार नहीं लड़ सकते हैं। उनके नेताओं को चार महसूस हो रहा है कि हम कांग्रेस के टिकट से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जो उनके लिए सही विचार क्योंकि देखिए नेता की विचारधारा तब तक होती है पार्टी के प्रति जब तक उसकी सीट सुरक्षित होती है, जब तक वो सीट अपनी निकालने तब तक उसकी विचारधारा होती है, जहाँ उसकी सीट जगमगाने लगती है उसको पता लगता है उसकी विचारधारा कहीं दूसरी तरफ चली जाती है, नेता की विचारधारा ये होती है। बात यही आती है कि जो कल तक योगी आदित्यनाथ के कसीदे पढ़ रहे थे, अखिलेश यादव को ना जाने क्या क्या कह रहे थे, अब तक के डायरेक्टर व्यक्ति सरकार के नेता मान रहे थे, सभी प्रकार मौर्य वो आप पता में चले गए हैं, और साथ में जो आरपीसीएम जैसे नेता जो झारखंड के प्रभारी भी रहे हैं, जो मोदी को ना जाने क्या क्या कहते हैं, वो आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कहने मतलब विचारधारा की सीट तक सीमित रहती है, जिस पार्टी सीट हुआ हम उसके वफादार है, बस इतनी होती विचारधारा। हाँ बात ये आती है सपा में जो शामिल प्रकाश मौर्य और जो विधायक के साथी जो कुछ विधायक थे जो बीजेपी के सपा में आ गए, उससे बीजेपी का मंडल थोड़ा नहीं बहुत मिल गया था, इसमें कोई दो राय नहीं, जमीन स्तर पर बहुत काफी दिक्कत आई थी, और ये उनके नेता अनौपचारिक बातचीत में बदलते मिल जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर हुआ कि अपर्णा यादव के आने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ, और सबसे बड़ा जंग जो कांग्रेस में लगा बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद रहा वो रहा आरपीएन सिंह का ज्वाइन करना। आरपीएन सिंह के आने से बेशक सपा में भी खलबली मची है, कांग्रेस का इतना बड़ा नेता आ जाए इसमें वस्तु तक जो यूपीए सरकार में बनती रहा, झारखंड प्रभारी रहा, कई और पदों में रहे, वो आ गई यहाँ पर अदिति सिंह यहाँ आ गई, तो जैसे कि हमारे जो इस समय टॉपिक चल रहा है कि कांग्रेस का क्या हाल, तो बिल्कुल सही बात कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार टूटते जा रहे हैं। देखिए एक बात बड़ी है जो प्रशिक्षण क्या चल रहा है कि इस बार यूपी में भाजपा से मुकाबला है, सपा का सपा से मुकाबला है, और बसपा जो है वो अपनी समीकरणों के सहारे आगे आना चाहती है। अब बात आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस चर्चा ये है बड़ी आम होती जा रही कि कांग्रेस 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो 2024 की थोड़ा सा आधार बनाएंगे, अभी तो 2022 में वो जानती क्या होगा,
लेकिन आप 2024 का आधार बना लिए। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात ये आ गई कि प्रियंका गांधी तो आगे आगे सेनापति के रोल में आगे चली, लेकिन जो सेना के जो बाकी जो सेना पीछे वो उनके जीवन में कम होती जा रही, कम नहीं होती जा रही, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बहुत अच्छा रोल लेके चले थे, लड़की होना सकती है गंगा का उन्होंने माहौल बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि बूथ लेवल पर आपके कार्यकर्ता है नहीं, उन्हें लड़ने की इच्छुक दिखाई नहीं देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बड़े पशुपेश में दिखाई देते हैं, क्या कहा जाए क्या करे क्या नहीं, क्योंकि नेता लगातार साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी को भी दिक्कत होगी कि ऐसे नेता पुराने नेता भी नहीं, भी छोटे मोटे नेता पुराने नेता, सबसे बड़ा अध्यक्ष अभी तक जितने नेता है आज राकेश सचान आए हैं तो वो प्रियंका गांधी के सलाहकार मंडली में थे। तो छोटी मोटी बात नहीं है कि आप प्रियंका गांधी के साथ चौबीस घंटे रहने वाले नेता है, उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, कि ये गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी स्थिति इतनी है, कितने साल रुकेगा नेता, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, उसी के लिए ना उसको कहाँ से आएंगे, कि जिला नेता देख रहा है कि हाँ इधर आने की संभावना होगा, अपनी विचारधारा उसी पार्टी की बना ले रहा है। बस ये है राजनीतिक जलवायु ये, और अभी एक बात और बता दूं मैं कि ये अभी अंत नहीं है, अभी आते आते 2 से 3 दिन में कांग्रेस के बहुत हद तक कांग्रेस में अपनी बहुत बड़े नेता हो सकता है कि अभी वहां जो कुछ हलचल दिखाई दे तो हलचल शुरू हो गई। अनूप जी आप जो बताना चाह रहे हैं, खैर हम लोग चर्चा कर सकते हैं लेकिन समय से पहले वो बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन सार्थक त्यागी एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं कि पक्की खबर है कि बहुत बड़ा नेता टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा है आपका, अब वो भी कायर हो जाए तो भी गलत है, क्योंकि आज अभी तक वो आपके स्टार प्रचारकों में एक है और प्रियंका गांधी के साथ चलते हैं वो बराबर, यहां तक मैं आपको संकेत कर रहा हूं। देखिए बिल्कुल हो सकता है कि आपकी बात सच हो या ना हो, पर मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल में कांग्रेस है जिसके अंदर एक संघर्ष की लड़ने की हैसियत है, ये लड़ना चाहता है, जो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का सच्चा सिपाही होगा वो कभी कांग्रेस पार्टी में छोड़कर नहीं जाएगा। सार्थक सवाल अगला है कि आप कांग्रेस के विचारधारा के सिपाही हैं या प्रियंका के सिपाही हैं या राहुल के सिपाही हैं, अब ये तीनों चीज स्पष्ट करिए। ये सिपाही बनने का जो खेल हुआ इस कारण से विचारधारा की कैडर वेस्ट एक पार्टी की ये स्थिति ये हस्र हुआ है। देखिए हम बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं जिनका नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं, और हम राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये तो सही है, ये होना भी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि विचारधारा क्या है आपकी, विचारधारा तो है धर्मनिरपेक्षता, विचारधारा है वो सारे विचारधारा जो आपके तरफ से आगे बढ़ी और ये तो ऐतिहासिक सच है, उस विचारधारा पे सपा चल रही है, आपसे उन्होंने नकल किया, आपसे उन्होंने कैरी किया, और अब आपको इतना भी नहीं समझे, क्योंकि पिछले बार 2 छोरे थे एक साथ, अब की तो खैर छोरा अभी गया ही नहीं दूसरा, अखिलेश अकेले ही छोरा बन के लड़ रहे हैं, और इस बार ये स्थितियों को आपको पूछ भी नहीं रहे, और विचारधारा के स्तर पर भी आप साथ आने की स्थिति में है ही नहीं, इसलिए न मायावती पूछी और न अखिलेश यादव पूछे। हाँ बोलिए बोलिए। समाजवादी पार्टी थे सवार होते ये पार बेटर नहीं अपना पार करना चाह रहे थे, 1% भी उन्होंने भाव नहीं दिया। नहीं, ये तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना, जब आपकी बारी आएगी तो आप दीजिएगा, बीजेपी का पक्ष रखिएगा, और अभी आप सवाल का जवाब हमारे नहीं दे पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता उमेश कुमार जी, पहले कांग्रेस की खबर ले लेने दीजिए। हाँ सार्थक जी बताएं। बिल्कुल आप विचारधारा की बात कर रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। हर जिस प्रकार आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार एक केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, यदि किसी ने आवाज उठाई तो वह कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार उन्नाव में रात को रात के अंधेरे में घर वालों की परमिशन से लेकर के क्रिमिनेशन कर दिया, उसके लिए आपने टिकट भी दिया है उनको। हाँ ठीक है ठीक है। मेरे भाई सार्थक जी हम तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो राजनीति को दिशा देने की कोशिश की वास्तव में वो मुद्दों पर आधारित है और उसकी तारीफ उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन इतना कमजोर क्यों है कि अपने ही आपके ही संगठन के नेताओं को आप पे भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल आपकी बात का मैं स्वागत करते हुए कि कम से कम भारतीय मीडिया ये तो मानने को तैयार हुआ कि प्रियंका गांधी जी एक बहुत ही पॉजिटिव राजनीति को लेकर के चल रही है। सार्थक आप एवी स्टार न्यूज के हर परिचर्चा को उठा करके देखिए,
जब प्रियंका गांधी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही थी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जी जी जी, एक पत्रकार के तौर पर मैं मानता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने वस्तु स्थिति को स्वीकार करके कम से कम सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस को एक एक पटल पर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमजोरी जिसको उन्हें एड्रेस करना चाहिए, आलाकमान को देखना समझना चाहिए, वहां भूल हो गई। और उसी का परिणाम है कि एक महीने में 10 नेता आपको छोड़ चुके हैं, और आज प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अतिरिक्त कोई बड़ा नेता नहीं है जो उत्तर प्रदेश में आपका एक बड़ा चेहरा बनकर के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को उसकी औकात बताए। देखिए, मैं फिर अपनी बात को दोहराने का काम करूंगा कि जिस प्रकार प्रियंका गांधी जी पहले ही कह चुकी हैं कि जो भी इस सरकार के खिलाफ, जिस दमनकारी सरकार के खिलाफ, जो इतने जिन्होंने लगातार उत्पीड़न करने का काम उत्तर प्रदेश में किया, इस सरकार से नहीं लड़ सकता, वे कृपया कर भी या तो अपने घर बैठ जाइए या फिर आप दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले 30 वर्षों से मतलब डन, मैंने मान लिया, मैंने माना सार्थक जी, मैंने आपकी बात को स्वीकार कर लिया। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, फिर हमारे ब्यूरो चीफ का जो परसेप्शन था और उन्होंने जो विश्लेषण करने की कोशिश की कि कांग्रेस 2022 की लड़ाई लड़ ही नहीं रही, उसको वस्तु स्थिति का पता है जो अनूप शुक्ला ने अभी अभी कहा, तो आप इससे सहमत हैं ना? नहीं, बिल्कुल, हम 2022 की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 अच्छा। विधानसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार 403 सीट पर उम्मीदवार हमने उतारे हैं, कोई गठबंधन नहीं, कोई पैक्ट नहीं, 403 सीट पर कांग्रेस पार्टी हर एक कैंडिडेट को बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़वाने का काम करेगी। और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही संघर्षशील और एक आम जन की, आम जनमानस के लिए एक अच्छी सरकार, अच्छी सरकार बनेगी। बिल्कुल, एक प्रवक्ता के तौर पर आपको कहना चाहिए। सवाल ये है कि प्रियंका गांधी को क्यों अपने शब्द और वाक्य वापस लेने पड़े थे कि वो उत्तर प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और उसके बाद मायावती ने क्या उसकी आलोचना की, वो बताने की जरूरत नहीं है सर। आपको लग रहा होगा कि मैं आपकी खिंचाई कर रहा हूँ, आपकी पार्टी का व्यक्तिगत तौर पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस तौर पर यदि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता से अगर पूछे तो हर कार्यकर्ता की जबान पर प्रियंका गांधी जी अपने नेता को मानता है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो तो ठीक है, आप तैयार हैं, आपके समर्पण की तारीफ करनी चाहिए, प्रियंका जी के मेहनत की तारीफ करनी चाहिए कि कम से कम एक सुषुप्त पार्टी की वो स्थिति उन्होंने बनाने की कोशिश की है जिसमें कम से कम 403 सीटों पर लड़ करके और जीतने का आपको एक भरोसा जगा है। उसमें कितना भरोसा है आपका, कितना सच है, ये तो सामने आ जाएगा 10 मार्च को, ज्यादा समय नहीं है। लेकिन उमेश कुमार जी, आप बीच में सवाल करते हैं, सवाल तो ये है कि पिछला प्रदर्शन दोहरा देने का भरोसा है आप पे? 100%, 110%। अब क्या बोलूं, एक लाइन में जवाब है। हमारे सामने कांग्रेस को तो आप देख ही लिए, समझवानी तो क्या बोलूं मैं। जब घर से लोग ही उनके साथ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें, वो भी हमारे साथ हमारे लड़ाई में है। और एक लाइन और बोलूंगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हो, तो लड़ाई में हर व्यक्ति, मुझे लगता है हर दूसरा व्यक्ति हमारे साथ है। अच्छा, खैर मैं ये सवाल आपसे करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मजबूर कर दिया कि मैं करूं ये सवाल। 138 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री का दावा है और प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो सुविधा सबको दी वो सब उसका उपभोग कर रहे हैं, फायदा मिल भी रहा है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में, संगठन के स्तर पर मैं बात कर रहा हूं, बहुत क्लियर, एक भी मुसलमान को अभी तक टिकट नहीं दिया आपने, भरोसा है तो फिर देना चाहिए था भाई। मैं तो साफ, हमारी पार्टी के जो एजेंडा है साफ है कि ऑलरेडी हम जिस एजेंडे के लिए चलते हैं उसमें प्रयास रहता है जो बहुत संकेत उनको टिकट दी जाए। नहीं, एजेंडा आप भारतीय जनता पार्टी के नेता का पक्ष रख रहे हैं, याद रखिए, आपका एजेंडा है कि बहुसंख्यक समाज को ही टिकट दिया जाएगा, अल्पसंख्यक को नहीं, ये जो आप बयान दे रहे हैं आप समझिए। बहुसंख्यक बोले तो जो पार्टी जो
हमारा जो फेस वैल्यू जिस विधानसभा में बनेगा उसको हम लोग देने का काम करते हैं, दे रहे हैं। अब ये सिर्फ नेतृत्व डिसीजन लेता थी भाई किसको दिया जाए नहीं दिया जाए। हम बहुत छोटे लोग, बहुत छोटे तत्वस्था है, विशेष कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। खैर, आप टिप्पणी कर रहे थे, शायद ये बात सार्वजनिक तौर पर आपको बोलनी चाहिए थी या नहीं, मैं नहीं कह सकता। खैरिए, आपके अपने विचारधारा हो सकती है। अनूप, जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को जल्दी नहीं है और वो मुद्दा आना तय है, क्योंकि जाति का खेल खेल और आया राम गया ग्राम का एक खेल, और बस अब एक सिक्सर की देरी है, वो लगना तय है। जो चर्चा हम आप लगभग एक पखवाड़े पहले कर चुके थे। अब सवाल यह है कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति होनी है और जिसके बाद पहले दौर का चुनाव शुरू हो जाएगा और फिर 7 दौर चलेंगे और 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, सब कुछ जब ध्रुवीकरण पर ही होना है तो फिर राजनीति की दिशा क्या दिख रही है आपको और उसकी दशा क्या होगी, ये तो सहज समझा जा सकता है। अनूप जी, लेकिन बिल्कुल सार्थक, 80 बनाम 20 की लड़ाई, ये तो आप देख ही रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह दिया गया, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया, और ये सार्वजनिक बातें हैं।
और कैराना में क्या कुछ हो रहा है, कैराना में क्या बातें कही जा रही हैं, अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप ढेर सारी चर्चा कर रहे हैं किसानों के संदर्भ में, और किसानों के संदर्भ में जब आप चर्चा करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि शिवसेना जैसी पार्टी जिसका उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई वजूद नहीं, वो कम से कम राकेश टिकैत को साधने की कवायद करती है उनके घर से लेकर के प्रयागराज तक। और आपने किसान आंदोलन में किस तरह से नैतिक स्तर पर, और कहा तो यह भी जाता है कि अब मैं वो कहना नहीं चाहता कि सब कुछ आपने सौंप दिया था राकेश टिकैत को, जहां तक समर्थन का सवाल है, लेकिन राकेश टिकैत भी आपके झांसे में नहीं आ रहे। नहीं देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर राकेश टिकैत का नहीं है, सवाल यह है कि किसानों पर जब उत्पीड़न होगा, जब किसानों पर अत्याचार होगा, तो राकेश टिकैत की जगह अगर कोई और भी होता तो उसे भी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर समर्थन देने का काम करती। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक जमा पूंजियों की, एक पूंजीपतियों की सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक दबे कुचले मजदूर की, किसान की सरकार है। किसानों को जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत होगी, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने किसान संगठनों को, चाहे उसमें राकेश टिकैत का संगठन लाओ, चाहे चौधरी का संगठन लाओ, अपना समर्थन देने का काम किया। और इस प्रकार किसानों को इच्छा मैदर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किस प्रकार लगातार जैसे कभी खालिस्तान बताने का काम किया, कभी उग्रवादी बताने का काम किया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपनी उन किसानों के सामने नाम रगड़ने का जो काम किया, वे अपने आप में जीता जाता उदाहरण है कि जो छवि नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से बनाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी वही उसी संघ से जुड़े हुए हैं, उसी संघ की मानसिकता की, अभी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए जो संघ कभी अंग्रेजों के सामने एक खड़की में अपने डिफरेंट। भाई ये तो सही है ना, मैं भी तो कह रहा हूँ कि आपको मोदी को हटाना है, योगी को हटाना है, ये तो आपका एक तरह से लोकतंत्र में अधिकार है, और इस समय तो पूरी तरह से आप आलोचना करने के मतलब हकदार हैं, और हम आपके साथ हैं अगर मुद्दों पर आधारित बात की जाए तो। लेकिन सवाल ये है कि आप किसके साथ, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, किसके साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं? सिर्फ प्रियंका जी के दम पर इतना भरोसा है कि आप पूरा उत्तर प्रदेश जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश का हर कांग्रेस के सिपाही का नेतृत्व करने का काम कर रही है, जहाँ जहाँ जुल्म हुए, जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ, जहाँ जहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिला, प्रियंका गांधी जी प्रदेश के अंदर सबसे पहली इंसान थी जिन्होंने आवाज उठाने का काम किया। चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसान नरसंहार हो, चाहे रेप पीड़िता से मिलना हो, अखिलेश यादव और मायावती जी पूरे पिछले 4 वर्षों में अगर आपको किसी सड़क पर संघर्ष कर दिए दिखे तो आप उस फोटो, मैं चाहूंगा कि आप अपने ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से उसे शेयर कर लेना। और इसके साथ ही साथ आप ये भी मान रहे हैं कि 2022 के इस चुनाव में जितने भी कमजोर दिल के लोग हैं, बुजदिल हैं, वो सब कांग्रेस से दूर हो जाए, प्रियंका जी का ये भी प्रयास है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहूंगा, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार अखिलेश यादव को भी कहा कि आपने हमारे जितने भी हमारी पार्टी में जितने भी कायर थे आपने उनको लेकर के हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारी पार्टी में एक फिल्ट्रेशन करने का काम किया। अब इस कांग्रेस पार्टी में असली कांग्रेस जन, जिसकी खून के अंदर कांग्रेस है, वो कांग्रेस जन बचा हुआ है, और वो पार्टी को मेहनत करेगा और पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए दिन और रात अपनी सेवा करेगा, तन मन धन से हमेशा साथ खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 2017 से पहले चौथे नंबर की पार्टी थी, आज 2017 में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई, तो कांग्रेस पार्टी अपनी मेहनत करके आज भले ही चौथे नंबर की पार्टी जिस प्रकार आप लगातार बोल रहे हैं, तो अपनी मेहनत करके हम निश्चित तौर पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को एक सफल परिणाम उत्तर प्रदेश के सामने रखने का काम करेंगे। अनूप सार्थक ने बहुत संयत तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी बुजदिलों को हटाएंगी या लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं, एक बड़े मनोबल के साथ वो आगे बढ़े थी, एक आकलन के साथ, लेकिन बात तो सब बिगड़ गई, क्या मानते हैं आप जहां तक कांग्रेस का संदर्भ है? देखिए कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी एकदम से रसातल में जा नहीं रही, देखना दुखद है। ना विपक्ष का यूपी की राजनीति में तो काफी सालों से बिल्कुल चली गई है, जैसे बात अभी सरकार ने खुला की थी कि अभी उसका टीम वाली बेशक कांग्रेस इस मुद्दे को उठाया, सपा वहां दूर दूर तक नहीं थी, सही बात है,
कि आपके पास दाल है लेकिन दाल को आप पकाएंगे किसी बिल्कुल आपका मुद्दा है लेकिन आप जब आपके बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही लड़ने को वहाँ पे ख्याल नहीं हो रहा है कार्यकर्ता है ही नहीं देश में कार्यकर्ता है तो आप उस मुद्दे को कैसे बुलाएंगे इसका सीधे सीधे लाभ सपा के पास ही जा रहा था और जाना भी था क्योंकि भाई आपने लड़ाई लड़ी बीजेपी के खिलाफ बहुत अच्छा किया बहुत आप जिसे कहा गया कि बहुत बढ़िया अच्छा मुद्दा लेके आ गया प्रियंका गांधी सबसे आ गई थी बीजेपी के माथे में टिकट की लकीर थी बहुत कुछ हुआ लेकिन बात वही लखीमपुर से टिकट मिला अब आप किसको लड़ाएंगे कैसे लड़ाएंगे खाली टिकट मिल गया नेता तो जा नहीं सकता है ना उसके बाद कार्यकर्ता का बूथ लेवल आपको मजबूत नहीं बस कांग्रेस की असली परेशानी नहीं है जिसे कहा गया मैं चला कारवा जूता चला गया लेकिन यहाँ उल्टा है मैं चला कारवा बिल्कुल जूते का चला गया तो दिक्कत ये आ रही है कि मेनका गांधी ने तो झंडा बुलंद कर दिया बार बार कह रहा हूँ लड़ाई 2022 की नहीं ये लड़ाई 2024 की कांग्रेस लड़ रही है और तैयारी कर रही है कि उसका कुछ आधार यहाँ बने अभी दो तीन दिन पहले थोड़ा सा राजनीति में गर्माहट आ गई थी जब एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था कि चेहरा कौन होगा तो तुरंत उन्होंने बोला कि मैं चेहरा कौन जीतता मैं पता अपने आप को छिपाने की कोशिश की लेकिन दूसरे दिन ही जीता ले लिया और जीता लेने का मतलब तुरंत जिसे कहा जाए कि पार्टी ने सोचा होगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा तब मायावती ने यह कहा कि कांग्रेस से विरोध कटवा पार्टी उससे ज्यादा कुछ नहीं है ये मायावती ने साथ कर मिला सुना सार्थक जी बिल्कुल 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 अनूप जी सार्थक जी मायावती जो बिल्कुल ऑफ कलर हैं एक नेता के तौर पर हालांकि सोशल इंजीनियरिंग में उनका जो फंडामेंटल है वो काबिले तारीफ है लेकिन वो भी मान रही है कि बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है अब पार्टी के अंदरूनी स्थिति क्या है ये भी हम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कौतूहल का विषय है सवाल ये है कि आपके पार्टी की स्थिति प्रियंका के इतने प्रयासों के बाद वोट कटवा की है ये बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता मुखिया का बयान है अब भी आप कुछ कहेंगे इस पर देखिए मायावती की अपनी कोई निजी ऐसी तकलीफ हो सकती है निजी कुछ उनका समस्या हो सकती है जिससे कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार ना कर सके पर उतर गए प्रचार की तो बहुत जरूरी बात है वो अपने समाज के लिए भी नहीं खड़ी हो सकती आज उनकी बीजेपी ने बीजेपी की वजह से या पता नहीं उनके कुछ निजी कारण भी हो सकते हैं इस वजह से वो बीजेपी के खिलाफ ना बोलना पसंद कर रही हूँ पर निश्चित तौर पर आप देखिएगा पिछले कितने माह से दलित समाज के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में हुई मायावती उन हादसों से अगर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो किस प्रकार की लड़ाई ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आगे भी लड़ेंगी और अब भी लड़ रही है मायावती बिल्कुल इस चुनाव से बाहर है और आप मतलब कांग्रेस बड़ी सोचने पे मजबूर कर दी है पार्टी ये कांग्रेस जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं बहुजन समाज पार्टी तो ये बोल रहे थी बिल्कुल बाहर है बोले आप लड़ाई में हो सर नहीं बिल्कुल हम लड़ाई में हैं जनता के बीच कैसे लड़ाई आपको कैसे लड़ाई अभी बात आप अभी भी आपको बताई जा रही है कि बूथ लेवल पे कोई भी आदमी बूथ लेवल से लेते विधानसभा से हर जगह कहीं भी आपका कोई मैं तो चाहता हूँ कि आप इसी भ्रम में बैठे रहें कि हमारा बूथ लेवल पे कोई नहीं है चुनाव भ्रम में हम भ्रम में अरे वाह अच्छा समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है सार्थक त्यागी जी समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है देखिए समाजवादी पार्टी अपनी तरीके से लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही है मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना था तो दो छोरे इस बार एक क्यों नहीं हो गए उमेश जी आपसे अनुरोध करूंगा सवाल मुझे करने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को यदि हराना था तो विचारधारा में बिल्कुल साथ रहने वाले दो छोरे खैर छोरा तो है ही नहीं मैं बार बार भूल जा रहा हूं वो एक कैसे नहीं हो गए इस बार इतनी बड़ी दूरी कि आप कह रहे हैं कि भाई उनका अपना लड़ने का तरीका हमारा अपना लड़ने का तरीका और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी अब लीजिए ये बात क्लियर है और ये देश का एक एक बच्चा बचाने का कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ सकता है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है उत्तर प्रदेश के बाद समाजवादी पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला भी नहीं है ये बात आप सबको पता है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हराने का काम करेगी अच्छा चलिए खैर एक बड़े विजन के साथ आप एक बड़े लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और चरैवेति के सिद्धांत पर आप चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता से एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा
सिद्धांतों की पार्टी है आपकी सर। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर जनता का भरोसा होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनको विकास का जो वादा किया था वो पूरा किया है, इसलिए जनता के बीच में विकास के वायदे के साथ और उसे पूरा करने के साथ उस बात का जिक्र करके चुनाव में उतर रहे हैं। लेकिन इतनी जरूरत आपको पड़ गई कि आया राम गया राम की शुरुआत मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई, लेकिन आप उसके लिए तो इतनी तेजी से आगे बढ़ गए हैं कि आप तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त ही कर देंगे। ये कौन सी सैद्धांतिक लड़ाई है, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, आपकी जो बातें है मैं मानने को राजी नहीं हूँ। मैं आया राम वाली जो कहानी है, साफ साफ हमारी जो एजेंडा है उस एजेंडे पे कोई सहमति जताता है, हमें लगता है इन्हें लेना चाहिए, स्वस्थ सभी के लोग है हम उन्हें देते हैं। अच्छा। और आना जाना वाला जो बात है, मतलब मैं तो बोलूंगा समाजवादी पार्टी ने जो खेल खेला उसको हम लोग समाप्त करने का काम किए कर रहे हैं, इसका जवाब पत्थर से दिए उन्हें हम। खैर, ये मैं मानता हूँ। और आपके मुंह से जो बात निकली है अनूप जी, आपको याद होगा जब हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये तो शुरुआत भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को खत्म करेगी तो वो बहुत गहरी चोट शायद समाजवादी पार्टी पर लगी होगी और कांग्रेस पार्टी पर लगी होगी। और जैसा कि उनके प्रवक्ता और नेता और कार्यकर्ता का ये बयान आ भी गया कि हमने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, अनूप जी ये चोट अभी और गहरी होने जा रही है क्या? मैंने कहा कि ये अभी यही नहीं रुकेगा। और देखिए, अब जो बीजेपी है वो ये जो काम सपा ने किया बीजेपी करती थी, चाहे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, उत्तराखंड कर ले लीजिए, कर्नाटक कर ले लीजिए, ये सब कि आप नेताओं की दूसरे नेताओं की नीति जो अपने कर लेते हैं ये बीजेपी का माइंड गेम होता है। लेकिन इस बार यूपी ने अखिलेश यादव ने बीजेपी को चौंका दिया, बीजेपी के लोगों को बड़े लोगों को लूट के जो बसपा से आए थे, बीजेपी चौंक गई, बीजेपी हमने लिए कतल तैयार नहीं थी। हाँ, बीजेपी ने वार के बाद का पलटवार किया और दूसरा मैंने कहा नहीं, अपना यादव का रूल सेट किया और यहाँ पे आ गए, साथ में अभी आपने कहीं कांग्रेस के लोग आ गए, कांग्रेस के लोग तो खैर बातचीत चल रही लेकिन लेकिन हाँ सपा अभी और भी बातचीत चली, जैसे आपने कहा कि ये लड़ाई कहाँ जाएगी, बिल्कुल अभी और भी चर्चित नाम आने की पीछे है, बीजेपी की बात चल रही है, सूत्रों की उनकी बात चल रही है और अजयपाल लल्लू जी कांग्रेस की यूपी के अध्यक्ष हो तो बार बार कह रहे हैं कि आपने इतनी बार बार ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी अफवाह नहीं दी गई है। तो अभी जैसे राज गब्बर है, आपने राज गब्बर का नाम ले लिया, राज गब्बर आज सपा में जा रहे हैं, तो बड़ी विडंबना है कि सब गायब हो रहे हैं, उनको सिर्फ पूछी चाहिए और वो देख रहे हैं कि हाँ 2022 में जो यूपी में कांग्रेस की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। साथ में सपा अपना जो उसे मोहरे बैठाए थे, लेकिन बात वही है कि चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति में, इस समय वर्तमान काल में अमित शाह तुरंत उनको मैदान में करना पड़ा, हालांकि अध्यक्ष जेपी नड्डा है लेकिन कार्यक्रम जिसे कहा गया सारे अमित शाह ही कर रहे हैं, सारी चीजें अमित शाह ही कर रहे हैं, देख रहे हैं अमित शाह ही बाकायदा मीटिंग ले रहे हैं, अमित शाह ही बाकायदा जिसे कहा गया सारे वक्त कर रहे हैं जहां जहां छेद, तो सब काम अमित शाह को दोबारा मैदान में क्यों करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वास्तव में हालात थोड़ा सा बिगड़ने में उन्होंने सोचा था वैसा नहीं है। तो बाकी किसान आंदोलन का मुद्दा था जिसे जात जात के लिए किसान आंदोलन को भी काम हुआ किसी तरीके से, लेकिन अब जाट ऊपर आ गए और जाट के लिए ये बात आजादी वाली बात आ गई, आजादी सफल चाहता है कि जयंत चौधरी जी की किस्मत बड़ी अच्छी इस समय चल रही है, इसमें दे रहा नहीं है जयंत जयंत चौधरी को हाथी हाथी हाथ लेना चाहता है। साथ में साथक जी जैसे बात कर रहे हैं, मैं बता दूं प्रियंका गांधी ने बिल्कुल उनको पता स्थिति क्या है, प्रियंका गांधी ने पहले ही बयान दे दिया कि चुनाव के बाद हम किसी भी पार्टी से बीजेपी को छोड़कर हाथ मिला सकते हैं। दूसरी तरफ अभी दो दिन पहले बयान दिया है राहुल गांधी ने कि छोटी जो पार्टियां हैं वो देश की राजनीति में खतरा है, तो ये बयान भी दोनों दिन बड़ा एक तरफ हाथ मिलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं छोटी पार्टियां हैं जो राजनीति में खतरा है, लेकिन सपा ने क्या किया, छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, भरसक कोशिश की, साथ आएगी बाकी वार पलटवार कह रहा है भाजपा मेहनत दौरा देने की कोशिश कर रही है, सपा ने सोच रही है कि हमने मेहनत दौरा दे रहे हैं, लेकिन सपा की तरफ तो जाने वाले कम हो गए, रुक गए हैं, बीजेपी की तरफ जाने आने वाले दूसरी पार्टी की लाइन लग गई है। और जैसे कि बार बार कह रहा हूँ अभी बड़ा नाम चर्चा में है, अगर बात बन गई इसकी बीजेपी से तो यूपी की सियासत में बहुत बड़ा उलट फेर होगा, बस बात बनने की देर है उनके साथ में, कुछ लगे हुए हैं बात चल रही है, बाद में बैठ गया तो बड़ा नाम है सियासत में, बड़ा उलट फेर यूपी की सियासत में होगा, बहुत बड़ा उलट फेर हो सकता है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है, एबी स्टार न्यूज संकेत रूप में इतनी खबर दे रहा है। खबर क्या होगी, इसका विश्लेषण क्या होगा,
यह आपको समय समय पर हम जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इतना सच है कि आज की इस परिचर्चा के बाद इतना स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कम से कम 2022 की लड़ाई नहीं लड़ रही है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो सशक्त विपक्ष की भूमिका में सामने आना चाहती है। और शायद प्रियंका गांधी का एक नेता के रूप में या एक प्रमुख के तौर पर, जनरल सेक्रेटरी ही सही, अगर उत्तर प्रदेश में उनकी उपस्थिति है तो उनकी उपादेयता कितनी है, उनके उपस्थिति से कितनी सार्थक हुई कांग्रेस की राजनीति, शायद इस प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही है। क्योंकि कांग्रेस के सामने 2024 का लक्ष्य है, 2022 कांग्रेस की ना तो उनके लक्ष्य के भाग में है और न ही उनका इरादा है, क्योंकि कांग्रेस वस्तु स्थिति को समझ रही है और इसी स्थिति में जिस तरीके से उसके साथ बड़े बड़े नेता उसका हाथ छोड़ रहे हैं, शायद कांग्रेस को अब ये पता चल चुका है कि उसे चुनाव के बाद क्या करना है। और जो कुछ भी हमारे ब्यूरो चीफ ने कहा कि फिर वही भूमिका वो अदा करेंगे जो झारखंड में उनको अदा करना पड़ा, और शायद यही कांग्रेस की राजनीति की इतनी बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बहरहाल ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, लेकिन मौका परस्ती का भी खेल है। ये बात उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वो कहा जा सकता है। फिलहाल एवी स्टार न्यूज पर इस परिचर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।